Hey guys, welcome back to the channel. तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं साइरोटेक का GPON EPON ONU router. अब ये router बहुत ही स्पेशल है, क्यों? क्योंकि इसने तहलका मचा रखा है फाइबर मार्केट में. मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसे यूज कर रहे हैं अपने फाइबर कनेक्शंस के लिए. एयरटेल जहां तक मुझे पता है हुआ भी यूज कर रही है, जियो का भी अपना खुद का है, बट BSNL जो हमारा टॉप ब्रांड है, देश का नेट है, वो ये साइरोटेक यूज कर रहा है. तो इस वीडियो में हम 5 टॉपिक्स कवर करेंगे. सबसे पहले तो इसका बॉक्स कंटेंट वगैरह, फिर हम देखेंगे स्पीड टेस्ट और फ्लक्चुएशंस वगैरह, तीसरी चीज हम देखेंगे इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू की क्या क्या इसमें मुझे दिक्कत आया इसे 3 महीने यूज करने के बाद, और चौथी चीज होगी इसमें कि क्या आपको इसे ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए, अपने वेंडर से लेना चाहिए, अपने BSNL ऑफिस से लेना चाहिए, और कंपनीज इसको ही क्यों कर रही है, स्पेशली BSNL इसको ही क्यों यूज कर रहा है, और लास्ट में अपना ओपिनियन दूंगा मैं कि मैं क्या इसे रेकमेंड करता हूं कि नहीं. तो आइए सीधा वीडियो शुरू करते हैं. अब सबसे पहले अनबॉक्सिंग पे आते हैं. जैसा आपको पता है मैं इसे 3 महीने से यूज कर रहा हूं, तो टेक्निकली इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, बट आपके लिए मैं फिर से कर देता हूं. ये लीजिए, अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है. इसमें आपको मिलता है इनका जो रूटर है वो, आपको एक इसमें लैन केबल मिलती है येलो कलर की, काफ़ी चमकीला कलर है, और इनका चार्जर, अभी चार्जर है यहाँ पे 12 वॉट का आउटपुट है इसका, तो इसको थोड़ी ज़्यादा बिजली चाहिए आपके फ़ोन चार्ज करने इसके अलावा, इसको सकते हैं साइड में. बट अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने रूटर की. अब आप देख सकते हो इसमें 2 एंटीना है, मतलब ये डुअल बैंड राउटर है. अब अगर हम पोर्ट्स की बात करें यहाँ पर, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तो आपका है फ़ोन का पोर्ट, ठीक है, यहाँ पे आपके आते हैं 2 लैन के पोर्ट, यहाँ पे आपका आता है पेयर बटन, यहाँ पे आता है आपका वाईफाई बटन, ये है जहाँ पे आपकी चार्जिंग केबल ये लगती है. देख सकते हो कौन से पिन है, तो अगर आपको अलग से लेना तो आपको पता होगा. और जो सबसे मेन चीज़ है वो है यहाँ पे लगता है आपका फाइबर नेट का कनेक्शन. अब ये पोर्ट ऑब्वियसली आपके जो इथरनेट पोर्ट होते हैं उनसे अलग आता है, तो इसमें आप कोई सा भी एक रूटर ऑनलाइन नहीं मंगा सकते और इसे यूज नहीं कर सकते, आपका ये GPON EPON ONU ONT रूटर ही होना चाहिए. और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की भी बात करें तो काफी अच्छा है. एंटीना मुझे इसके थोड़े से लचीले से लगे, जैसे आवाज कर रहा है, दूसरा वाला नहीं कर रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इसे आप इतना नहीं छेड़ते तो ये इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है. और इसमें आपको 2 यहाँ पे लटकाने के लिए मिल जाता है, तो आप इसे दीवार पे ऐसे लटका सकते हो, और काफ़ी स्टडी है, एक बार गिर भी चुका है तो अच्छा हुआ नहीं टूटा उस टाइम पे. और अगर हम इसमें बाकी बात करें, आपको यहाँ पर आपको इसके जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो देखने को मिल जाएगा. अब जो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है वो है एडमिन, और पासवर्ड है cyrotech@43210&$. और सेम चीज़ आपको यहाँ पे इसमें पीछे भी देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ में आपका पीछे इसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, वैन एड्रेस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है. अब इसमें अगर हम आगे इसकी लाइट्स की बात करें, अब अगर आपका पावर ऑन है तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी, अगर आपका नेट चल रहा है तो यहाँ पे जो PON है यहाँ पे लाइट जलेगी, और अगर आपका नेट नहीं चल रहा है और LOS पे यहाँ पे रेड लाइट है तो मतलब आपका फाइबर कनेक्शन कट चुका है. इसका रीजन हो सकता है तो सर्वर डाउन है या आपकी तार भी टूट चुकी है. और जो इसमें अलग जो लाइट्स हैं वो आपकी LAN 1 LAN 2 की लाइट्स है, और साथ ही साथ में FSX मतलब जो आपका लैंडलाइन कनेक्शन होता है जो पोर्ट है उसकी लाइट, और साथ ही साथ में पेयर की लाइट और वाईफाई की लाइट भी आपको देखने को मिल जाएगी. अब जैसे कि आप देख सकते हैं जब मैंने इसे कनेक्ट करा है तो इसमें आपको लाइट देखने को मिल रही है, ऑब्वियसली हमारे उधर नेट का कनेक्शन अभी अच्छे से आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे लॉस की जो रेड लाइट है वो नहीं दिखा सकता, और आप इसमें PON और बाकी लाइट्स देख सकते हो. तो इतना ही था इसकी तो फर्स्ट इंप्रेशन के लिए. अब मैं आपको इसका एक यूजर इंटरफेस भी दिखा देता हूं. अब आप यहाँ पे जो इसके अगर आप आईपी एड्रेस में जाओगे जो आपको यहाँ पे बैक पैनल पे देखने को मिलता है, तो इसमें आप अपना पासवर्ड और यूजर नेम डाल के लॉग इन कर सकते हो. तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स और डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपके वाईफाई रूटर के रिगार्डिंग, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, क्या क्या चेंजेस आने हैं. यहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हो कि अगर आपका जो कनेक्शन है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है. अगर यहाँ पे दिखा रहा है कि ये अप है तो इसका मतलब आपका अच्छे से इंटरनेट चल रहा है, और अगर ये दिखा रहा है डाउन तो यहाँ पे मतलब आपको कुछ सर्वर में दिक्कत है. तो अगर ऐसा है तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो, मे बी ये सर्वर वापस आ जाते हैं, आपको पता है BSNL का कैसा है, और अगर नहीं है तो आप अपने वेंडर या BSNL ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हो. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें स्पीड टेस्ट की, इसमें क्या क्या फ्लक्चुएशन आती हैं और इसमें क्या क्या जो भी स्पीड के रिगार्डिंग होता है उसके लिए. तो इसमें जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छी आती है, जैसे कि हमारा 60 Mbps वाला प्लान आप देख सकते हो, तो इसमें अच्छा खासा 60 से अबव ही स्पीड आती है नॉर्मली. कभी कभी थोड़ा हो जाता है 60 से नीचे तो 50 समथिंग में स्पीड रहती है, बट ज़्यादातर इसमें स्पीड बहुत ही अच्छी रहती है. ऑब्वियसली सिंगल बैंड राउटर है, मतलब अगर मैं इसमें 100 Mbps से ऊपर का प्लान लूंगा तो इसमें स्पीड कम आएगी. इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने सिंगल बैंड राउटर क्यों लिया है और डुअल बैंड क्यों नहीं लिया. और अगर आप इसमें फ्लक्चुएशन की बात करो तो यहाँ पे ज़्यादातर फ्लक्चुएशन BSNL के थ्रू ही देखने को मिलती है. राउटर में ऐसा सच कोई अपने से फ्लक्चुएशन नहीं आती. पर्सनली मैंने इसे कनेक्ट कराया इन्वर्टर से तो इसमें कभी मुझे नेट की तो दिक्कत नहीं आई, और जैसे लाइट अचानक आती जाती रहती है तो उसका मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ. पर्सनली मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप इसे इन्वर्टर पे ही कनेक्ट करो ताकि जब लाइट जाए तो आप बोर ना हो और आपके पास इंटरनेट हमेशा रहे. बट ये हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि मैं फूकने का इसमें डर कम रहता है,
यहाँ पे अभी मौसम आपको पता है थोड़ा बारिश वगैरह हो रही है, बट ऐसी कोई सच दिक्कत नहीं आई कि इसमें खराब हो गया हो। बिजली तो नॉर्मल कड़कती रहती है। अब अगर आपको बिल्कुल ऐसा प्रॉपर टेस्ट चाहिए कि बिल्कुल मेरे घर के बाजू में बिजली गिरे और तब ये बचेगा कि नहीं, तो दोस्तों ऐसे दुआ मत करना। ऐसा टेस्ट तो बहुत ही रेयर होगा, बट इतना मैं कहूंगा इतनी इसमें कोई दिक्कत ऐसी सच नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में मुझे अगेन ऐसी इसमें सच कोई दिक्कत नहीं है। इसकी स्टडी क्वालिटी आप देख सकते हो काफी अच्छा है। एंटीनास का थोड़ा मुझे मन रहता है ऐसे ऐसे चलाने का, बट अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो मे बी ये जल्दी नहीं टूटेगा। और नेट की अगर हम बात करें तो जो अगेन दिक्कत बीएसएनएल की तरफ से होती है वही दिक्कत इसमें आई है। पर्सनली मैंने इसे अपने स्लेब पे रखा है तो ये डे टू डे लाइफ में नीचे नहीं रहता है सच, क्योंकि कभी कभी होता है कि तार खींच के गिर जाए या ऐसा हो जाए, तो मैंने इसे थोड़ा सेफ प्लेस पे रखा है ऊपर और ठीक रहता है वहाँ, मुझे इसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। लैन केबल हमने आराम से निकाली है नीचे तो ठीक है, तो इसलिए इसकी एज अ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी में मैं कहूँगा स्पीड में तो ऐसी कोई सच दिक्कत नहीं है, ड्यूरेबिलिटी भी इसमें अच्छी है तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट बात हम करेंगे जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो वो है ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर होगा कि बीएसएनएल वाले ये साइरोटेक का ही रूटर क्यों दे रहे हैं और किसी कंपनी का रूटर क्यों नहीं दे रहे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो बल्क में इंडिया में मिलता है वो ये साइरोटेक का ही रूटर है। अब अगर हम बात करें कि अगर आप इसे अमेजोन वगैरह से लोगे तो कितने का पड़ेगा, ये रेट है 3,500-4,000। अगर मैं आपको इसके बॉक्स पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो रेट है वो 5,000 रुपया, मैं भी बहुत छोटे में लिखा आप नहीं देख सकते, मैं फोटो यहाँ पे अब ला दूंगा स्क्रीन पे। इसमें जो प्राइस है वो इसका 5,000 रुपीज़ है बॉक्स पे। बट जैसे अगर आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाओगे जहाँ से सारे वेंडर्स है ना ये लोग वहीं से बल्क में सामान लेते हैं, तो वहाँ पे आपको 2,000, 1,500, 2,500 अलग अलग प्राइस पे मिल जाएगा। इसलिए ये लोग इतना बल्क में ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है उन लोगों को। एंड जब बीएसएनएल ने अपना जो ठेका है ये लगाने का प्राइवेट वेंडर्स को दे रखा है तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो लोग बल्क में सामान ले लें और एक साथ वो फिर ज़्यादा कस्टमर्स के यहाँ लगाते हैं। अब बात रही कि आपको इसे ऑफलाइन लेना चाहिए ऑनलाइन लेना चाहिए, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फ़र्क पड़ता है कि आप किससे लगवा रहे हो। अगर आप बीएसएनएल वेंडर से लगवा रहे हो तो वो अपने हिसाब से अपना प्राइस बताता है, बहुत अच्छी बात है अगर आप उससे नेगोशिएट कर लो। अगर आपके पास पुराना एक राउटर रखा है जिसमें आप फाइबर नेट लगा सको अच्छी बात है अगर वो मान जाए। ज़्यादातर वेंडर्स नहीं मानते क्योंकि उन्होंने इसमें अपना भी प्रॉफिट निकालना पड़ता है क्योंकि वो रेट लगाते हैं हाई, जैसे मैंने आपको बताया इसका जो ओरिजिनल रेट है बल्क में वो कम मिलता है। तो या तो अगर वो मान जाए तो आप अपने मर्जी से इसे ऑनलाइन लो, ऑफलाइन आप ले नहीं सकते क्योंकि मैंने अगेन आपको बताया आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा किसी शॉप पर। और अगर आप सस्ता लेना चाहते हो तो इंडिया मार्ट पे लो, वहाँ पे आपको मिनिमम कुछ ऑर्डर रखने पड़ते हैं। और अगर आप इसे वेंडर से नहीं बीएसएनएल के ऑफिस से लगवाते हो तो वो आपको ऑब्वियसली ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको खुद लेना है तो आप खुद ले सकते हो और अगर आपको उनसे खरीदना है तो आप उनसे भी खरीद सकते हो। और एक और ऑप्शन है कि आप उनसे 90 रुपीज़ पर मंथ रेंट पे इसे ले सकते हो, तो जब भी आपका नेट हटेगा वो ये रूटर लेके चले जाएंगे। पर्सनली अगर आपने इसे काफ़ी लॉन्ग टर्म रखना है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर आप 90 रुपीज़ पर मंथ दोगे तो कितने टाइम में ये आपका 3,500 तक का पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको उससे ज्यादा का नेट रखना है तो मैं कहूंगा आप इसे खरीद ही लो। और एक चीज और थी, तो मैंने जब अपने वेंडर से पूछा, मैंने कहा अगर हम नेट हटवाएंगे तो इसका क्या, तो उसने कहा जो मैंने पैसे लिए हैं वो इसके पूरे के पैसे हैं तो ये मेरा ही हो जाएगा, बट अगर मैं एक साल के अंदर हटवाता हूं तो ये उसे हाफ रेट पे खरीद देगा। वो इसके 1,500 रुपये देने के लिए तैयार होगा अगर मैं एक साल के अंदर अपना नेट हटाता हूँ। अब एंड में आते हैं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। अब दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो आपके दिमाग में सिंपल सा कन्फ्यूजन था कि ये कंपनी कौन सी है, क्यों इसे बीएसएनएल लगा रहे हैं, क्यों मैं अपना ऑनलाइन अच्छे से जाके नहीं खरीद सकता। अब सबसे पहले तो जीपोन ईपोन के जो ये फाइबर नेट वाले राउटर होते हैं ये पब्लिकली इतने अवेलेबल नहीं है, आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, आपको ये इतना सस्ता एक तो पहले नहीं मिलेगा, जो मिलते हैं वो 2-3 महीने से सेलर डाल रहे हैं तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आपको एक साइरोटेक है और एक ऐसी 2-3 कंपनियां जिनके कभी आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, तो सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि आप अपने वेंडर से ही लो, क्योंकि अगर खराब हो तो आप उसके सर पे तो मार सकते हो उसे जाके। और अगर आपको डाउट है इसकी ड्यूरेबिलिटी इसकी कितना रिलायबल है, तो पर्सनली मैं कहूंगा आपको नेट चलाने से ज्यादा मतलब है तो आप इसको इतना ध्यान नहीं दोगे एक बार लगने के बाद, अनलेस आप इसे डेली देख के उसको खुंदस निकालते हो उसके ऊपर। बट अगर ये ऊपर आराम से कोने पे रखा है आपका नेट अच्छा खासा चल रहा है और पता है कि बीएसएनएल की दिक्कत आ रही है जो आपके फ्लक्चुएशन जीरो स्पीड पे नेट जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आया तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे दिमाग में अभी भी एक क्वेश्चन आ गया है ऑटोमेटिकली, इसकी रेंज कितनी है मैं बताना भूल गया, तो इसकी रेंज है 30 मीटर। अब जहाँ पे 30 मीटर दूर हमारा टीवी रखा है इसमें अच्छा खासा इसका नेट चल रहा था, थोड़े से हल्की सी बफरिंग होती है बट काफ़ी दीवारें हैं बीच में, सो इसकी रेंज अच्छी है। ऑब्वियसली सिंगल बैंड है तो 2.5 GHz में काफ़ी दूर तक पहुंचा सकता है इसकी रेंज। और भी अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो और कंटेंट जहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर क्लिक करो, और अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ऐसे और कंटेंट के लिए।